विधानसभा चुनाव में नामांकन के लिए आज रामगढ़ में प्रत्याशियों ने अपने अपने जन समर्थकों के साथ ढोल नगाड़े व गाजे बाजे के साथ खूब शक्ति प्रदर्शन किया। इस शक्ति प्रदर्शन में घंटों सड़क जाम हो गई, जिसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ा। रामगढ़ और बड़कागांव विधानसभा के आज भाजपा, कांग्रेस, आजसू के दिग्गज प्रत्याशियों ने अपना नामांकन किया। बड़कागांव के 3 बार विधायक बने भाजपा के प्रत्याशी लोकनाथ महतो ने जहां पर्चा दाखिल किया, वहीं रामगढ़ से आजसू की प्रत्याशी सुनीता चौधरी ने भी अपना नामांकन दर्ज कराया। वहीं बड़कागांव के आजसू प्रत्याशी रोशनलाल चौधरी ने भी नामांकन किया, तो वहीं बड़कागांव की कांग्रेस प्रत्याशी अंबा प्रसाद ने भी अपना नामांकन पर्चा दाखिल किया। इसके साथ साथ अन्य कई दलों के प्रत्याशियों ने भी अपना पर्चा दाखिल किया। इन प्रत्याशियों की माने तो ये सब अपनी अपनी जीत के प्रति खूब अस्वस्थ हैं, साथ ही जनता के लिए बड़े बड़े वादे भी करते नजर आ रहे हैं। मैं जब जीत कर आऊंगी तो मेरी पहली प्राथमिकता होगी मेडिकल कॉलेज बनवाने की, और महिलाओं लोग के लिए मकान, पेंशन और वृद्धा पेंशन की होगी। सांसद जी के जो सपने हैं उसको मैं पूरा करूंगी। में 10 सालों में जो वर्तमान जनप्रतिनिधि या जिस पार्टी का नेतृत्व है, पूरी जनता परेशान है, विकास ठप है, पूरी जनता वहाँ परिवर्तन चाहती है। आजसू पार्टी का जो मॉडल, विकास का मॉडल है रामगढ़ सिल्ली, उसको बड़कागांव विधानसभा की जनता देखना चाहती है। देखिए, मैंने मेरा विचार है सेवा करना, विकास करना। आप लोग भी क्षेत्र में रहे हैं और सर्व सुलभ, ये नहीं कि जनता को अपने यहाँ नहीं बुलाया, जनता के यहाँ मैं गया। रास्ते में मैं गाड़ी चलते किसी का काम था तो गाड़ी में ही काम उसका कर लिया। ये मेरा बराबर से सिद्धांत रहा है और ये सिद्धांत में परिवर्तन होने वाला नहीं है। महिलाओं को शिक्षा से जोड़ने का काम करना है, उनको आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम करना है।